हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी उत्तर प्रदेश की नदियाँ और झीलों को देखा था। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। याद रखिए, आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी चैप्टर होते जा रहे हैं ख़त्म, वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, ये था आपका ऊर्जा संसाधन। प्रदेश में लगभग 97,941 आबाद ग्राम हैं, जिनमें से 86,899 ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। विद्युत सुधारों के क्रम में पहला कदम 1998 में उठाया गया, जब केंद्र के विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 के तहत शुल्कों के स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का गठन किया गया। इसके पश्चात राज्य में कि विद्युत संगठन में आमूल परिवर्तन के लिए सन 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की समस्त संपत्तियों, हितों, अधिकारों और दायित्वों, कार्यवाहियों तथा क्रमिकों को 3 निगमों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तापीय विद्युत उत्पादन हेतु, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड यह है जल विद्युत उत्पादन हेतु, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पारेषण वितरण एवं विद्युत विदायक कार्यों हेतु है। सुधारों के द्वितीय चरण में विद्युत वितरण के लिए पूर्व गठित कानपुर विद्युत वितरण कंपनी सहित 5 वितरण कंपनियों का गठन किया गया, जैसे पश्चिमांचल विनिमय लिमिटेड निम्नलिखित, मेरठ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आपका इलाहाबाद, वाराणसी गोरखपुर और आजमगढ़ क्षेत्र हेतु मुरादाबाद सहारनपुर एवं नोएडा हेतु मध्यांचल विद्युत विनिमय वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो याद रखना 1959 में उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन किया गया है। 1959 में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में किया गया। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय लिया गया 1998 में। 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन लक्ष्य रखा गया? 10,000 मेगावाट। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी आपकी आगरा में। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था आपकी लागू की गई 2006 में। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम प्रदेश में प्रभावी है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं: ऊर्जा सेक्टर के सुधार के प्रथम चरण में विद्युत परिषद को विभक्त करके 3 निगमों की स्थापना करने की योजना है, तापीय उत्पाद निगम, जलीय उत्पाद निगम, पोषण पारेषण एवं वितरण। ठीक है, निगम। आगे बात करते हैं, द्वितीय चरण में तापीय एवं जलीय उत्पादन निगम को विद्युत गृह वार स्वतंत्र उत्पादन कंपनियों में विभक्त करने की योजना और साथ ही पारेषण एवं वितरण के लिए पृथक निगम स्थापित करने की भी योजना है। अंतिम चरण में विद्युत वितरण के लिए वितरण निगम को छोटी छोटी वितरण कंपनियों में विभक्त करके उनके निजीकरण की योजना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिल भेजने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय तथा पासबुक की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उपभोक्ताओं की सुविधा और देरी को कम करने के लिए निर्धारित मंडलीय मुख्य अभियंता को निर्धारित फार्मों से संबंधित दर पर सामग्री क्रय के आधार पर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, पहली बार विधानसभा सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में 5 गांव के विद्युतीकरण की सुविधा और स्थापना सुविधा के विकास हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फंड गठित, नोएडा में विश्व व्यापार केंद्र तथा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना,
राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा पार्कों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए पारीछा, ओबरा और हरदुआगंज बिजली घरों का विस्तार तेजी से चालू है। टेहरी, पारीछा, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा, रिहंद सुपर थर्मल, ऊंचाहार, पहलगांव तथा श्रीनगर परियोजना से अगले 3 वर्षों में लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत केंद्रों की बात करें तो गंगा विद्युत केंद्र, रिहंद जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत गृह, माता टीला विद्युत गृह, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, नरोहा परमाणु शक्ति केंद्र, सिंगरौली सुपर ताप विस्तार विद्युत केंद्र गृह, यमुना द्वितीय चरण खेदरी विद्युत गृह केंद्र व अनपरा मिर्जापुर में, परीक्षा विद्युत केंद्र झांसी के पास, टंडा ताप विद्युत केंद्र ऊंचाहार रायबरेली में, दोहट्टी घाट आपका आजमगढ़, अनपरा फिरसार ताप विद्युत केंद्र मुरादनगर में गाजियाबाद, गैस टरबाइन खारा सुरंग विद्युत परियोजना बदरपुर ताप विद्युत केंद्र, बदरपुर पिसार ताप विद्युत केंद्र आदि। अब बात कर लेते हैं नई ऊर्जा नीति 2004 के बारे में। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो नई ऊर्जा नीति है उसके देख लेते हैं। नई ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों की सामाजिक उन्नति और उनके आर्थिक विकास के लिए भरोसेमंद गुणात्मक एवं उचित दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। विद्युत उपलब्ध में वृद्धि के लिए निम्न कार्य करने होंगे। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से भरोसेमंद एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर थोक में ऊर्जा क्रय करके उपलब्ध कराना। आगे नवीकरण एवं आधुनिकरण की उपयुक्त कार्य योजना तैयार करके वर्तमान उपलब्ध उत्पादन का अधिकतम उपयोग, पारेषण एवं वितरण क्षमता में विस्तार, कार्य क्षमता बढ़ाने, भरोसेमंद गुणात्मक ऊर्जा आपूर्ति करने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए वर्तमान क्षमता का पुनरुद्धार, वातावरण को प्रदूषित ना करने वाले विशेषकर प्राकृतिक गैस एवं गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन करना, ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत हेतु उठाए गए कदमों को बढ़ावा एवं मांग का कुशल प्रबंधन, वित्तीय स्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो इसके लिए उत्पादन पारेषण वितरण विपणन एवं नवीकरणीय तथा आधुनिकरण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा उपलब्ध कराए गए विशिष्ट अवसर का उपयोग करते हुए एक अति आधुनिक कुशल विद्युत विपणन इकाइयों का गठन करना, प्रदेश के सभी गांव व उनके रहने वाले परिवारों को शीघ्रता से विद्युत सुलभ कराने के लिए प्रयास करना एवं इस संबंध में स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को नीति एवं अन्य प्रशासनिक मामलों में सहयोग देना जिसमें अनुदान का उचित वितरण करके तर्कसंगत विद्युत दरों का निर्धारण हो सके। ठीक है, राज्य के ऊपर पड़ने वाले वित्तीय भार को एक समय सीमा में कम करना, जबकि यह मान्य तथ्य है कि पूरी प्रक्रिया की सफलता के लिए संक्रमण काल में राजकीय सहायता की प्रमुख भूमिका होगी। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 333 मेगावाट की श्रीनगर उत्तराखंड स्थित निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना, 1200 मेगावाट की निजी क्षेत्र की रोजा तापीय परियोजना, 1200 मेगावाट की निजी क्षेत्र की अनपरा सीप तापीय परियोजना, 1200 मेगावाट की राज्य सरकार की हरदुआगंज विस्तार तापीय परियोजना, 500 मेगावाट की राज्य सरकार की पारीछा विस्तार तापीय परियोजना, 100 मेगावाट की राज्य सरकार की अनपरा डी तापीय परियोजना, 90 मेगावाट की 5 बगाज आधारित परियोजना स्थापित हुई थी। इनमें से कुछ परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका जबकि कुछ शीघ्र ही शुरू होने वाली है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय
के तहत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के उद्देश्य से 10000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए राजकीय संयुक्त व निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली अधिकांश परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं। अब वन लाइनर में है, प्रदेश में लगभग कितने गांव हैं? आबाद गांव 97,941। सुधारों के लिए द्वितीय चरण में विद्युत वितरण के लिए 5 वितरण कंपनियों का गठन किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम प्रदेश में प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली फ्रेंचाइजी व्यवस्था पहले आगरा में लागू हुई थी। ठीक है, अब ये हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, जिनसे कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं वन डे एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी UPPCS में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो याद रखना 1959 में। कब? 1959 में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन दूसरा है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है? तो याद रखना नरोरा में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन तीन है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो याद रखना January 2000 में। ठीक, क्वेश्चन है चार, नरोहा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? यह आपका बुलंद शहर में। कहाँ है? बुलंद शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पाँच, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखना है 1998 में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छः, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित हैं? तो याद रखना 6 में आपका ए होगा, गंडक परियोजना में। ठीक है, क्वेश्चन है सात, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है? ये आपकी रायबरेली में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, क्या है क्वेश्चन है आपका आठ, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यह है बरेली में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नौ, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिए रोजा में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना अलीगढ़ में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है ग्यारह, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना क्यों की गई? तो याद रखना तापीय विद्युत उत्पादन हेतु। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है बारह, आपको सुधारों के द्वितीय चरण में विद्युत वितरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों का गठन निम्न में से किस स्थान पर नहीं किया गया? तो याद रखना है बारह में आपका सी, आगरा। ठीक है, क्वेश्चन तेरह, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय कब लिया गया? तो ये लिया गया था 1998 में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चौदह, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो ये की गई थी आगरा में। डी ऑप्शन सही है, चौदह का। क्वेश्चन पंद्रह, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइज व्यवस्था कब लागू की गई? 2006 में। क्या है? 15 का ए है। ठीक है, तो ये था आपका ऊर्जा से संबंधित, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है।